नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रनौत और चलिए देखते हैं दोपहर की बड़ी खबरों को फटाफट। दिल्ली में एआईसीसी की बैठक, राजधानी पहुंचे सीएम सुक्खू, लोकसभा चुनाव की रणनीति पर होगी चर्चा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बुधवार को दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। वो यहां वीरवार को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के साथ शामिल होंगे। सीएम ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह सहित चार अनेक केंद्रीय मंत्रियों से मिलने के लिए समय मांगा है। केंद्रीय मंत्री से सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के तीन प्रोजेक्टों के मामले को उठाएंगे। पुराने समझौतों को दरकिनार करके सरकार चाहती है कि लोहरी, सुन्नी और धौलासिद्ध परियोजनाओं में सरकार की हिस्सेदारी बढ़ाई जाए। इसे लेकर सचिव स्तर की वार्ता दिल्ली में हो चुकी है, अब मंत्री स्तर की वार्ता भी होगी। इसमें मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्री के सामने हिमाचल का पक्ष रखेंगे। हिमाचल के कई जिलों में कोहरे का अलर्ट, कुछ दिन रहेगा मौसम साफ, फिर बारिश और बर्फबारी के आसार। हिमाचल प्रदेश के सभी भागों में 8 जनवरी तक मौसम साफ रहने का आसार है। हालांकि मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा सहित मंडी, सोलन, सिरमौर में 5-6 जनवरी तक घना कोहरा छाए रहने का येलो अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य मैदानी, मध्य व उच्च पर्वतीय कई भागों में 9 जनवरी को बारिश बर्फबारी के आसार है। प्रदेश के मैदानी जिलों में बुधवार को लगातार तीसरे दिन भी घना कोहरा छाया रहा। ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा सहित सोलन, सिरमौर और मंडी के कई क्षेत्रों में कोहरा छाए रहने से ठंड बढ़ गई है। इन क्षेत्रों में नाम मात्र के लिए धूप खिली। राजधानी शिमला सहित सूबे के ऊंचाई वाले जिलों में बुधवार को मौसम साफ रहने के साथ धूप खिली रही। सीपीएस मामले में सरकार ने जल्दबाजी दिखाई, जयराम ठाकुर। प्रदेश में आर्थिक संकट के बाद भी सरकार ने सीपीएस की नियुक्ति की है, जबकि नियमों में ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है। पूर्व में भी कांग्रेस सरकार के इस मामले में फजीहत हुई थी। ये बात बुधवार को नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने शिमला में जारी बयान में कही। उन्होंने कहा कि आज एक बार फिर से इस मामले पर उच्च न्यायालय में सही निर्णय लिया है। भाजपा पहले ही इन नियुक्तियों का विरोध करती आ रही है, लेकिन प्रदेश सरकार ने सीपीएस को नियमों के विपरीत जाकर नियुक्त करके उन्हें सुविधा दी थी। जयराम ठाकुर ने कहा कि सभी सीपीएस पिछले एक साल से प्रदेश में कार्य कर रहे हैं। प्रदेश में आर्थिक संकट होने के बाद भी सरकार ने सीपीएस पर करोड़ों रुपए खर्च किया, जो प्रदेश के विकास कार्य में लगाए जा सकते थे। हमें उम्मीद है कि मुख्यमंत्री कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हुए तत्काल कार्यवाही करेंगे। प्याज की कीमतों में उछाल, 709 रुपए प्रति किलो बढ़े दाम। देश भर में मंगलवार को ट्रक चालकों की हड़ताल से गहराए पेट्रोल व डीजल के संकट से प्याज की कीमत में एक बार फिर जबरदस्त उछाल देखने को मिला। बुधवार को राजस्थान से सोलन सब्जी मंडी में प्याज की बड़ी कीमत के एक साथ ट्रक पहुंचा। एक दिन में ही प्याज के भाव में 7 से 9 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी की गई। सोलन सब्जी मंडी में मंगलवार को प्याज 23 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा था, लेकिन बुधवार को ये कीमत बढ़कर 30 से 32 रुपए प्रति किलो हो गई है। हालांकि प्याज का पुराना स्टॉक 23 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा था। सोलन सब्जी मंडी में राजस्थान के अलवर जिला से प्याज की आपूर्ति हो रही है। हालांकि ट्रक चालकों की हड़ताल समाप्त हो गई है, लेकिन इसके कारण देश भर की मंडियों में जो प्याज का संकट गहराया था, उसका असर कुछ और दिन तक जारी रहने के आसार हैं।